आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये तमाम वो लोकसभा सीटें हैं, अमरोहा, जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया न्यूज पर आप महा कवरेज इलेक्शन का देख पा रहे हैं और जो पल पल की अपडेट है वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर भी खास फोकस किया जा रहा है। तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए और साथ ही जो प्रदेश की जागरूक जनता है वो भी लगातार लोगों से मतदान करने की अपील कर रही है। और ऐसे में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी लगातार जो हमारे दर्शक हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट आया है जिसमें ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण, राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया, देश की तकदीर का फैसला हो रहा है, आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार किसकी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण बताया है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है, तो देश की तकदीर का फैसला आज हो रहा है, ये राहुल गांधी ने जिक्र किया है, आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार किसकी, इसलिए वोट जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आपको बता दें कि प्रदेश की जनता से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। और वहीं अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी ने वोट किया है, जहां पर कंवर सिंह तंवर ने मतदान डाला है। जलालपुर कला मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डालने के बाद जीत का दावा उन्होंने किया है। तो लगातार तमाम प्रत्याशियों की तरफ से, जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी उनकी तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से बड़ा दावा, अमरोहा में कंवर सिंह तंवर की तरफ से मतदान करने के बाद जीत का दावा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर जो है लगातार बीजेपी का खास फोकस है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें पूरे देश में, तो अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कंवर सिंह तंवर ने मतदान किया है और इसके साथ ही उन्होंने जीत का दावा किया है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है और इन सब के बीच आपको बता दें कि मतदाताओं में भी जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार किसकी, राहुल गांधी ने ये कहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें सीएम योगी की तरफ से पोस्ट करते हुए मतदाताओं से मतदान की अपील की गई है, सुरक्षित विकसित भारत के लिए मतदान करें। सीएम योगी ने मतदाताओं से कहा, आपका वोट जो है वो देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में मददगार होगा। पहले मतदान फिर जलपान का नारा भी सीएम योगी ने दिया है। और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तमाम जिलों से रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले मनीष जी आपके पास आते हुए, चूंकि जो आपका विश्लेषण है वो क्या कहता है आज के चुनाव को लेकर, अगर हम 19 अप्रैल के चुनाव का जिक्र करें जो फर्स्ट फेज में हुआ था, उसमें वोटिंग प्रतिशत कमी थी, और अब 2019 के अकॉर्डिंग इस बार क्या माना जाए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, और आज के जो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मतदाताओं में जो सुबह से उत्साह दिख रहा है, इस रुझानों से लग रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ेगा। मतदाता जो पिछली बार उदासीन थे, इस बार
लाइनें बहुत लंबी लगी हुई है जैसा मैं सुबह से देख रहा था, तो मुझे लगता है इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और ये सारी पार्टियों के लिए एक शुभ संकेत है, डेमोक्रेसी के लिए एक शुभ संकेत है कि लोग अपने वोट को एक्सरसाइज करने के लिए घर से निकल रहे हैं और जनता अपना मत प्रकट करना चाह रही है। बाकी जो आज का फेज है वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा भाजपा के फेवर में ज्यादा है, जैसे आप देखेंगे आज हेमा मालिनी जी चुनाव में है तो ये सीटें परंपरागत रूप से भाजपा में रही है और भाजपा को आज की जो सीटों की वोटिंग है उसमें आरएलडी के संग जो उनका कोलैबोरेशन है उसका फायदा भी जरूर महसूस होगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का जो उत्साह है उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आपने हेमा मालिनी का जिक्र किया है तो मथुरा से हमारे साथ वीर नारायण जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वीर नारायण, देखिए जिस तरह से आपने सुबह भी जानकारी दी थी कि हेमा मालिनी जो है वहां की सांसद, मौजूदा सांसद, और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है, ऐसे में आप बताइए कि मुकाबला जो है तमाम राजनीतिक दलों के बीच किस तरह से नजर आ रहा है और जो जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है उनका झुकाव किस तरह से नजर आ रहा है, जो मौजूदा सांसद उनके कामकाज से जनता कितनी खुश नजर आ रही है? और हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आज जो है दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इन सब के बीच अगर हम बात करें जो वोटिंग प्रतिशत है, सबसे पहले इसी का जिक्र कर लेते हैं, चूंकि वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ सके इसके लिए खास फोकस किया जा रहा है, और अगर हम बात करें इन 8 लोकसभा सीटों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए एक बात दीप्ति जी समझ लीजिए कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रथम फेज में वोटिंग प्रतिशत काफी गिरा, 8 से 9% की गिरावट आई वोटिंग प्रतिशत में, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो उसके बाद से काफी गिरावट आई, 8 से 9% आई, तो ये चिंता का विषय था। लेकिन चुनाव आयोग ने इसके लिए तमाम तरह के आयोजन किए, तमाम तरह के मतलब मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और ये भी कहा गया कि 6 बजे तक जो भी वहां पहुंच जाएगा उसका मतदान कराया जाएगा, भले चुनाव भले उसको मतलब क्लोज करने में देर हो मतदान को, लेकिन सबका कराया जाएगा। इस तरह से तमाम तरीके की चीजें चुनाव आयोग ने कमर कस तैयार रखी, वहां बकायदा पानी का इंतजाम, सब तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन एक बात तय समझ लीजिए कि जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि लोगों ने उनसे पूछा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे जो वोटर हैं वो आ गए और उन्होंने वोट किया, और बल्कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनके अंदर निराशा थी, वो वोट देने नहीं गए, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसके जो वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उनका जैसा कहना था। लेकिन ये मान के चलिए कि ये गर्मी की विभिषिका में वोटरों को अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, भले वो सुबह जाए चाहे दोपहर में जाए चाहे, लेकिन उनको मेरा ये मतलब जो 8 जिलों में जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें मेरा अपील है जनमानस से कि वो जाए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, तभी एक अच्छी सरकार हम लोगों को केंद्र में मिल सकेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। अमरोहा का रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अमरोहा में इस वक्त जो कतारें हैं वो कितनी लंबी दिखाई दे रही है, चूंकि देखिए 9 बजे का वक्त हो चला है यानी कि 2 घंटे का वक्त निकल चुका है, अभी वहां पर मतदान केंद्रों पर किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अमरोहा में 9 बजे का समय हो चुका है, लगभग 2 घंटे का समय हो रहा है जिसमें मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, और हम एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है, पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में जिस प्रकार से धूप है वो भी लगातार बढ़ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में जो लोगों की कतार है वो अभी भी लगातार बढ़ने पे ही है, तो साफ तौर से देख सकते हैं इस बार जो मतदाता हैं उनके भीतर किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर। और अमरोहा का 2019 में भी एक रिकॉर्ड बना था जिस प्रकार से पूरे मंडल में 5ों सीटों में से अमरोहा अव्वल स्थान पर रहा था और 71.5% जो है मतदान प्रतिशत गया था, तो ऐसे में जनता इस बार क्या जो पुराना आंकड़ा है उसको तोड़ पाती है, या हमने अभी पीछे देखा जिस प्रकार से पहले फेज के अंदर वोटिंग परसेंटेज डाउन गया था, तो उस प्रकार की क्या सिचुएशन रहती है, जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है। जी, तो मतदान करने आए हैं आप, धूप में लगे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, किस चीज को लेकर वोट करना है? जी हाँ, मुद्दे तो हैं, भले ही हम गर्मी में खड़े हैं लेकिन हम जानते हैं कि आने वाली जो सरकार है हमारी इन सारी प्रॉब्लम पे समस्याओं पे जो है कुछ ना कुछ जो है हल निकालेगी, हम इसी उद्देश्य से वोट देने आए हैं यहाँ पे। कुछ और लोग भी हैं जी, आपका क्या नाम है?
लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति हैं और लाइन में लगे हुए हैं, तो लंबा समय हो गया आप भी दसको से वोट डालते आ रहे हैं, तो इस बार क्या सोच वोट डालने के लिए मोदी को दे रहे हैं जी? आपका क्या नाम? अनुराग जी चलिए अरुण आप बातचीत करिए और आगे भी आपका रुख करूंगी तमाम अपडेट के लिए। मनीष जी लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं का जो मेन मुद्दा है रोजगार को लेकर है, और तमाम ऐसे जो है मतदाता हैं उनका ये कहना है कि वो डेवलपमेंट को लेकर जो है वोट डाल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है वोट डालने जो लोग पहुंच रहे हैं, हम लगातार पिछले 2 घंटे से जो महा कवरेज है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोगों का यही कहना है वो डेवलपमेंट को लेकर, देश के विकास को लेकर इस वक्त वो मतदान कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि वो सांसद से ज्यादा मोदी की गारंटी पर भरोसा जताने की बात कर रहे हैं। लाइन लंबी लगी है, लोग इतनी धूप में खड़े हैं, और पिछले 14 और 19 के चुनावों में जो एक बड़ा बदलाव भाजपा ला पाई है इस देश के चुनावों में, कि जातिगत मुद्दों से ऊपर उड़ के आज लोग डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, इन सब चीजों के मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव का यही परिपेक्ष होना चाहिए, जैसा कि आज राजनीति में परिवर्तन आ रहा है, कि लोग इन मुद्दों पे वोट डालें जो उनके फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। जैसे बीजेपी कहती है 2047 का भारत, 25 साल के बाद भारत क्या होगा, हम 5 साल के विजन पे कब तक वोट डालेंगे कि 5 साल में वो चीज नहीं होगी तो दूसरी पार्टी को फिर से मौका देंगे। ये सब जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म विजन के होते हैं, ये 5 साल में पूरे नहीं होते लेकिन इनके आधार रखे जाते हैं। जैसे लोग बार बार पूछते हैं बुलेट ट्रेन कब चलेगी, तो बुलेट ट्रेन का आधार रखा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है इस बार के कार्यकाल में जो भी सरकार आएगी बुलेट ट्रेन भारतवासियों को देखने को मिल जाएगी। तो जब ये वोटिंग डेवलपमेंट पे होगी, विकास पे होगी, रोजगार पे होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आपने जिक्र करा था मोदी की गारंटी, क्योंकि जो चुनाव पत्र है, घोषणाएं हैं, लोग करते हैं लेकिन वो पब्लिक तक पहुंचेंगी कैसे? अगर वो पहुंचने के संसाधन आप नहीं बताओगे, आप ऐसी घोषणाएं करोगे जो रियलिस्टिक नहीं होंगी, तो आज जनता उस चीज को समझ रही है, उसको मालूम है कि हमें क्या मिला था, क्या मिल सकता है, कौन दे रहा है, कौन दे सकता है। आप देखिए 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 72,000 रुपए साल देंगे किसानों को, बीजेपी 6,000 रुपए साल देती है किसानों को, लेकिन किसानों ने अपने विवेक से ये चूज करा कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या वाकई में मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पिछले 5 साल में 30 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचे हैं, अलग अलग मदों में पहुंचे हैं, विधवा पेंशन के रूप में पहुंचे हैं और तरीके की चीजों के रूप में पहुंचे, लेकिन लोगों को वो डिलीवरी मिल रही है, उनको वो विश्वास मिल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना से उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें आवास मिल रहे हैं। तो अगर 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं और आगे कहा जा रहा है 3 करोड़ लोगों को मिलेंगे, तो ये 4 करोड़ आवास आगे के 3 करोड़ को ये विश्वास देते हैं कि जब इनको मिला है तो हमको भी मिलेगा। इसीलिए गारंटी नाम का शब्द जो आया है वो अगले चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा। इस बार सारा चुनाव जो है वो मोदी जी और मोदी जी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है, और विपक्ष के पास अभी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो उनके सामने आके खड़ा हो सके और प्रतिद्वंदिता प्रूव कर सके। आप देखिए कि इन 8 सीटों पे भी जो आज चुनाव हो रहा है, आपके मतदाता ने अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति से सवाल करा और उन्होंने सवाल का जवाब वही दिया जो देश की जनता की आवाज है, कि हम किसको वोट कर रहे हैं, ये हमारी आपकी आवाज नहीं है, ये देश की जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है। और अगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि कहाँ हमारा हित है, कहाँ हमारा हित नहीं है। तो अगर जातिगत मुद्दों से लोग ऊपर उठ के विकास के लिए, रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नई योजनाओं के लिए वोट डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक सुनहरे भारत का भविष्य संरचना हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज जी, देखिए अभी मनीष जी ने जिक्र किया घोषणा पत्र की, उन्होंने बात की, ऐसे में अगर हम बात करें और जो तमाम राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, सपा ने जो जारी किया और बीजेपी ने जो जारी किया है, ऐसे में लगातार बीजेपी ये कह रही है सपा के घोषणा पत्र को लेकर कि हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, उसमें मुस्लिम को ज्यादा जो है फोकस किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि सब कुछ हवा हवाई है। ऐसे में क्या लगता है जनता को, किसका घोषणा पत्र, किसके घोषणा पत्र होता हुआ नजर आएगा? देखिए मोदी की गारंटी पे ये चुनाव है, और मोदी ने 10 साल में जो गारंटी ली थी उसको जनमानस के से जो वादा किया था उसको पूरा किया है। हम देंगे लेंगे, ये आगे गर्व की बात है।
और दूसरी बात अगर कह दें तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बात करें और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें, दोनों में बहुत विरोधाभासी बात है। वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। कांग्रेस आज विरासत की बात करती है, कांग्रेस कहती है कि हम विरासत, आपकी जो आपने विरासत में जो अपने संपत्ति अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को सबको दिया उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा, इस तरह की बात। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के नेता है वो ये बात कहते हैं कि 55% टैक्स लगाएंगे और उसको गरीबों को और दलितों को और मुसलमानों को मेन जो मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक है उनमें वितरित कर दिया जाएगा। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उस समय का बयान आप देखिए, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, तो क्या 80% जो हिंदू आबादी है वो उनका हक नहीं है? और इस तरह की बात करना कि संसाधनों पे टैक्स लगाया जाए, तो कांग्रेस का जिस तरह का दुष्चरित्र है वो सबके जनमानस के सामने है, और कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारियों का दलदल है, और जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का प्रचार प्रसार कर रही है ये निश्चित मान के चलिए जनमानस ये सब देख रहा है। और बार बार राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं, आप ये बात देखिए कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जिस तरह से 1984 में राजीव गांधी ने, इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस तरह से वो कानून बदला और अपने संपत्ति की रक्षा की, आज वो फिर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये कहां का न्याय है? जनमानस ये सब देख रहा है। और दूसरी चीज, मोदी ने जो गारंटी दी थी उसको किया, जिस तरह से विकास के कार्य किया हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, तो जो किया वो किया, जो कहा वो किया। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया वो भी जनता देख रही है। पहले तो अपहरण, बलात्कार, 700 से अधिक दंगे, इस तरह की चीजें होती थी, उसको आज योगी आदित्यनाथ ने पूरा कंट्रोल किया, माफिया मिट्टी मिल गए या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, तो ये सब भी जनमानस देख रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मंगलसूत्र छीनने की बात कांग्रेस कर रही है कि जो महिलाएं हमारे देश की बहनें जो मंगलसूत्र जो भी सोना चांदी रखती हैं उसका ये सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद उसको जो है उसमें वितरित करेंगे मुसलमानों में और अन्य उसमें, ये बिल्कुल गलत बात है। और जनमानस इसी मुद्दों पे देख के साइलेंट वोट करेगा। देखिए, जब महिलाओं की बात आती है पंकज जी, तो यहाँ पर यह भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि महिला आरक्षण जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई है, ऐसे में महिलाओं का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जो मोदी की गारंटी है उस पर विश्वास होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महिला आरक्षण का मुद्दा जो है कांग्रेस के समय में भी उठा था, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा जो है सक्सेस नहीं हो पाया था, और ऐसे में अब जो महिला आरक्षण लेकर आई है मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है अब एक यकीन, जो गारंटी मोदी सरकार बार बार कह रही है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक बात तय समझ लीजिए दीप्ति जी, 97 करोड़ 60 लाख वोटर टोटल इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, 97 करोड़ 60 लाख में आधी आबादी लगभग 48 करोड़ महिलाएं हैं, और महिलाओं को जिस तरह से सुरक्षा, न्याय और प्रधानमंत्री आवास देने का काम, 4 करोड़ आवास आज पूरे भारत में दिए गए, बहुत से राज्यों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया जो जहां पर एनडी गठबंधन की सरकारें हैं, तो लेकिन ये एक बात तय मान के चलिए कि महिला सशक्तिकरण की ओर नारी वंदन अधिनियम जिस तरह से जो काम किया है आपके, उन्होंने वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि क्या नाम है, ये देखिए कि 33% आरक्षण जो महिला जो इतने साल से ये बिल लटका हुआ था उसको पूरा करने का भी काम अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब भी जनमानस देख रहा है, और महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव बढ़ा है, महिलाएं मोदी जी के राज में अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, इन सब चीजों को देख के वोटिंग पड़ रही है। और ये इस बार मुझे जो लगता है, इस बार का द्वितीय चरण का चुनाव पिछले प्रथम चरण से ज्यादा वोटिंग होने की ओर अग्रसर है। चलिए, इसकी उम्मीद तो हर कोई जता रहा है। फिलहाल एक बार फिर से मैं अपने रिपोर्टरों का रुख कर लूंगी, क्योंकि लगातार अपडेट जो है वो हमें दर्शकों तक पहुंचाते रहना है। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, और एक बार फिर से मथुरा में हमारे संवाददाता मेहदी गर्ग ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है, देखिए उनकी रिपोर्ट। का महापर्व चल रहा है और फिलहाल हम मौजूद हैं मथुरा में, जहां पर जो सियासत है बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है और वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। क्या कुछ माहौल है यहाँ के, क्या बड़े मुद्दे हैं, और जो लोग जो मतदाता हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे लेकर आज वोटिंग करने के लिए पहुँचे हैं। सर, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ राष्ट्र हित का मुद्दा, देश हित का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और भारतवर्ष में एक मजबूत सरकार बने, पूरे संसार के 150 देशों की निगाहें इस लोकतंत्र के महापर्व पर लगी हुई हैं, सभी लोग देख रहे हैं इस बार क्या होगा। तो निश्चित रूप से हमारे मथुरा के लोग तो
एक मजबूत सरकार के लिए मजबूत नेता के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपको क्या लग रहा है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं मथुरा में? काम तो हो ही रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, मोदी काम कर रहा है और धड़क के साथ काम करता है, ऐसा ही आदमी चाहिए सर आप। तो लगातार मनीष जी और पंकज जी हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं। मनीष जी देखिए किस तरह से मतदान केंद्रों पर लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे अपने अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मुद्दा है, लगातार लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार संबंधित मुद्दे जो है सबसे ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी आपने देखा आपके संवाददाता जब पूछ रहे थे तो आज का जो सामान्य मतदाता है वो देश हित और राष्ट्रहित की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज वो अपने अलावा देश के लिए भी सोच रहा है, राष्ट्र के लिए भी सोच रहा है। रोजगार जरूर एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, सबको मिलना चाहिए और सरकार उसके लिए समान अवसर निकालने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकारी नौकरियों में इतने अवसर नहीं है। स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, देश प्रगति कर रहा है। आज आप देखिए यूपी में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इस साल में पांचवा चालू हो जाएगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, 15-16 ऑपरेशनल है, कुछ और बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से एक समग्र विकास की ओर देश बढ़ रहा है। लेकिन अगर वोटर राष्ट्रहित और देशहित की बात कर रहा है और वो इस तरीके के मुद्दों पर वोट डाल रहा है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आगे की सोच भी है कि उसे आगे का भारत, फ्यूचर इंडिया कैसा दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रुझान है जो आपके रिपोर्टर्स के थ्रू जनता तक पहुंच रहा है और लोगों को यह विश्वास कायम रखना चाहिए कि जो उन्हें आज तक मिला है या जो उनसे कहा जा रहा है वो उन्हें आगे जरूर मिलेगा। इसी बात में ये मोदी की गारंटी नाम का शब्द आता है कि जो आपसे कहा जा रहा है ये आपको जरूर मिलेगा। और पार्टियां जो वादा करती हैं उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है ये ना बता पाने के कारण लोगों का उत्साह उनके प्रति उतना ज्यादा नहीं डेवलप हो पाता। आप देखिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे नौकरियों में, समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है 33% देंगे। तो आज उनके घोषणा पत्र टैली नहीं है, उनका विजन टैली नहीं है, तो वो आगे चल के देश के एक समान विचारधारा से कैसे चलाए। जो गठबंधन में पार्टियां उनके साथ हैं वो किसी राज्य में उनके साथ चुनाव लड़ रही है, किसी राज्य में उनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। तो ये लोग जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जहां जैसी सहूलियत मिलेगी हम उस तरीके से चीजों को बदल लेंगे। आज जनता इस चीज को समझ चुकी है कि हमें देश किस नेतृत्व के हाथों में देना है जो हमें लंबे समय तक एक समान विचारधारा से सबका विकास करते हुए, राष्ट्रीय देशहित को साथ में लेके चलते हुए देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आज अर्थव्यवस्था की बात होती है, हम पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं है, अगले कुछ सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो लोग इन चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वाकई में विकास कहाँ है, कहाँ वादे हैं, कहाँ गारंटी है, कहाँ डिलीवरी है, कहाँ कुछ करके दिया है और आगे कुछ करने की अपेक्षा है लोगों को। क्योंकि जो करके देते हैं उनसे अपेक्षाएं बढ़ती है और जो सिर्फ वादे करते हैं उनसे अपेक्षाएं नहीं बढ़ती। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे अभी पंकज जी जिक्र कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एंड व्यवस्था एक बहुत बड़ा विषय था यूपी में 2017 से पहले, लेकिन आज आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। यूपी में दंगा नाम का शब्द सुनाई नहीं पड़ता, यूपी में माफिया नाम की चीजें सुनाई नहीं पड़ती, यूपी में अब इंटर गैंग वॉर्स नहीं होते। ये स्टेबिलिटी जो आपको दिख रही है, ये सारा उत्साह आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी दिखता है। आप देखिए आज यूपी में 1000 करोड़ का निवेश आ रहा है, कितने अच्छे अच्छे संसाधन हो रहे हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि के दर्शन करने 1 लाख से ज्यादा लोग रोज पहुंच रहे हैं, और सरकार ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है। तो लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमसे जो बताया जाता था वो करा जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग उसको कम आंकते हैं, लेकिन जब सामान्य जनता वोट करने जाती है तो उसका कानून में विश्वास, उसका अपनी सुरक्षा की भावना और खासकर ये आधी आबादी महिलाओं में जो सुरक्षा की भावना जागृत होती है उससे हमें एक नया उत्साह देखने को मिलता है। अगर आप पंकज जी और मनीष जी आप दोनों लोग हमारे साथ